पंजाब में भी वैक्सीन की कमी हो गई है, जिससे कई सेंटर्स बंद हो गए हैं। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से वैक्सीन देने की मांग की है। न्यूज़ नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूरा देश कोविड की वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो कोविड की वैक्सीन है वो नहीं मिल पा रही है। अभी हम पंजाब के मोहाली के एक सेंटर में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जहाँ पर 18 से जो 44 उम्र के लोग हैं वो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है वो वैक्सीन लगाने यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है जो 18 से 44 साल वाले यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जब हम पिछले कल या पहले भी यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती थी, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग ही जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि 18 से 44 साल के बीच में लगने वाली जो वैक्सीन है वो पंजाब में ख़त्म हो चुकी है, और जो बची है उसको कहीं ना कहीं जो हेल्थ सेंटर के जो वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आप ये भीड़ देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो दूसरी डोज के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो 18 से 44 के बीच में हैं उसमें वैक्सीन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वहीं पर अगर बात करें जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्हें वैक्सीन का पहला डोज लगना है, उसकी भी शॉर्टेज जो है वो पंजाब में चल रही है। और जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो पंजाब में वैक्सीन की कमी चल रही है उसके कारण जो है कई सेंटर को सिर्फ 2 बजे से पहले ही बंद करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में जो है वो वैक्सीन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। और ख़ासकर अब जिस तरह से जो 18 से 44 साल के जो बीच हैं उन्हें वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं पंजाब में जो है वैक्सीन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। और जो सरकार है वो साफ तौर पर केंद्र सरकार से कह रही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन भेजिए ताकि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैक्सीनेट किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंजाब।